मित्रों, ये तो हम सभी जानते हैं कि जो भी मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं उन्हें पुराणों के अनुसार मृत्यु के पश्चात स्वर्ग प्राप्त होता है, जबकि बुरे कर्म करने वालों को नरक में जगह मिलती है। परंतु कई लोग मानते हैं कि स्वर्ग और नरक इंसान अपने जीवन में ही भोग लेता है, और अगर आपके कर्म अच्छे नहीं होंगे तो आपका अंत समय बहुत कष्टदायी और मुश्किल होगा। ऐसे में सवाल तो उठता है कि क्या किसी धार्मिक मनुष्य और पापी प्रवृत्ति वाले इंसान की मृत्यु में कोई अंतर होता है? क्या कहते हैं हमारे धर्मशास्त्र, यही जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार मित्रों, और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। लेकिन मित्रों, इससे पहले आज की वीडियो शुरू करें, एक जरूरी सूचना। द डिवाइन टेल्स परिवार अब आपके लिए लेकर आया है अमेज़न पर द डिवाइन टेल्स स्टोर, जहां से आप पूजा अर्चना की सामग्री, यंत्र, मालाएं और देवी देवताओं के फोटो फ्रेम जैसी वस्तुएं वाजिब कीमत पर खरीद सकते हैं। 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आप जा सकते हैं shop.thedivinetales.com पर। कूपन कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आज ही विजिट करें नीचे दिए हुए लिंक पर और घर बैठे बैठे मन की शांति पाएं। अब लौटते हैं हमारे विषय पर। मित्रों, पद्म पुराण में एक छोटी सी कथा वर्णित है, जिसमें हमारे आज के इस विषय को बड़ी ही सरलता पूर्वक समझाया गया है। ये कथा कुछ इस प्रकार है। आज से कई साल पहले कौशिक वंशीय एक ब्राह्मण उत्पन्न हुए, जिनका नाम कौशिक शर्मा था। इनकी पत्नी का नाम सोमना था, जो कि धर्म का पालन करने वाली एक पतिव्रता और कर्तव्य परायण स्त्री थी। ये ब्राह्मण दंपति निर्धन तो थी ही, इन्हें कोई संतान भी नहीं थी, और इस बात को लेकर कौशिक शर्मा हमेशा चिंतित रहते और ये सोचते रहते कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जो हम लोग इतने निर्धन और निसंतान हैं। वहीं इनकी पत्नी सोमना ऋषि चवन की कन्या थी और बहुत विदुषी थी। ऐसे ही एक बार कौशिक जी ने अपनी पत्नी से अपने मन में उठ रहा प्रश्न पूछा, हे स्वामिनी, आखिर हमारी ऐसी स्थिति क्यों है? मैंने तो अपने जीवन में कभी कोई गलत कर्म नहीं किया। इस बात को सुनकर सोमना अपने पति को समझाते हुए बोली, हे प्राणनाथ, प्रारब्ध में किए गए कर्मों की वजह से हम निर्धन और निसंतान हैं, क्योंकि ये तो मुझे भी अच्छे से पता है कि इस जन्म में तो हमने कोई भी पाप नहीं किया। इसलिए आप एक बड़ा और अच्छा धार्मिक अनुष्ठान करिए, जिसके परिणाम स्वरूप हमें धन और पुत्र की प्राप्ति हो। अपनी पत्नी के मुख से ऐसी ज्ञानवर्धक बातें सुनकर कौशिक शर्मा को उनसे एक और प्रश्न का उत्तर जानने की इच्छा हुई, और उन्होंने अपनी इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए उनसे पूछ ही लिया, हे सोमना, कृपया आप मुझे ये बताएं कि धर्मात्मा की मृत्यु कैसे होती है? इस बात का उत्तर देते हुए वो बोली, हे स्वामी, जो लोग जीवन पर्यंत धर्म सोच के नियम का पालन करते हुए सदैव जन कल्याण से जुड़े काम करते हैं, उनको मृत्यु के समय बिल्कुल भी दुख नहीं होता है। मृत्यु के समय उनके शरीर में किसी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं होती और ना ही किसी तरह का कोई भ्रम, ग्लानी या भय रहता है। धर्मात्माओं की मृत्यु के वक्त ज्ञानी जन उनके पास आते हैं और मनोहर स्तुतियां और देव पूजा करते हैं। इतना ही नहीं, यमदूत भी इनसे बड़ी ही विनम्रता से पेश आते हैं और मृत्यु निकट आने पर इनसे बोलते हैं कि हे धर्मात्मा जन, चलिए, यमराज जी ने आपको उस लोक में बुलाया है, और धर्मात्मा उनके साथ चल देते हैं। ये सुनकर कौशिक बोले, हे देवी, पापियों की मृत्यु निकट आने पर उनके साथ क्या होता है, कृपया मुझे ये भी बताइए। इस पर सोमना बोली, हे स्वामी, पापियों की मृत्यु करीब आने पर वे स्वतः ही ऐसे स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां गंदगी का ढेर होता है और चारों ओर दुर्गंध आती रहती है। उदाहरण के तौर पर किसी कचड़े वाले स्थान पर या किसी ऐसी मलिन बस्ती पर जहां कबाड़ का अंबार लगा हो, इन जगहों पर मलमूत्र बिखरा पड़ा रहता है। ऐसे स्थानों पर जानवरों के शव क्षत विक्षत हालत में पड़े रहते हैं, जिनसे असहनीय बदबू आती है। दुष्ट आत्मा ऐसे स्थानों पर बड़े कष्ट और पीड़ा के साथ अपने प्राण त्यागते हैं। पापियों को लेने खुखार और खतरनाक तरह के यमदूत आते हैं, जिनको देखकर दुष्ट आत्मा थरथर कांपने लगती है, उनके शरीर से पसीना छूटने लगता है। इतना ही नहीं, उस मनुष्य ने
अपने जीवन में जितने पाप किए होते हैं वो उसके कंठ में आकर जम जाते हैं। इस स्थिति में महापापियों को बहुत तेज दर्द होता है। दुष्ट आत्माएं तड़पती और तिलमिलाती हैं। वे कई बार बेहोश भी होती हैं। इस वेदना वाली स्थिति में वो अपने स्वजनों को याद करती है। इतना ही नहीं स्वामी, ऐसे पापियों को यमदूत कांटों और अंगारों से भरे मार्ग के द्वारा मारते और घसीटते हुए यमलोक की तरफ लेके जाते हैं। इस मार्ग में कहीं बहुत तेज गर्मी पड़ती है तो कहीं हांड कपा देने वाली सर्दी भी। यमलोक में भी ऐसे लोगों को बहुत सारी यातनाएं दी जाती हैं और फिर इन्हें नरक की सजाएं भोगने के लिए भेज दिया जाता है, क्योंकि जीवन पर्यंत इन लोगों ने पाप ही किए होते हैं। हमेशा अधार्मिक कर्मों में संलिप्त रहे ऐसे पापियों की आत्माओं को हजारों वर्षों तक यमलोक की इस पीड़ा को झेलना पड़ता है और इनका अगला जन्म भी कुत्ते, बिल्ली या इसी तरह की किसी निम्न योनि में होता है। इतना कहते हुए सोमना बोली, हे प्राणनाथ, यही है धर्मात्माओं और पापियों की मृत्यु निकट आने की स्थिति में अंतर। और मित्रों, सोमना के इन उत्तरों को सुनकर कौशिक शर्मा की जिज्ञासा भी शांत हो गई। मित्रों, वर्तमान संदर्भ में भी इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि हमने अपने आसपास ये देखा होगा कि कई लोग बिना किसी पीड़ा के ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वहीं कुछ लोगों की मृत्यु बड़ी ही कष्टदायी और दर्दनाक रहती है। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्र हमेशा सत्कर्म करने की प्रेरणा देते हैं ताकि हमारा अंत समय ज्यादा कष्टदायी ना हो। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कुछ समझ आया हो तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। ऐसी ही और भी धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर देखने वाले लाइक करें हमारा फेसबुक पेज द डिवाइन टेल्स हिंदी। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।